हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का पार्ट नंबर 10। जैसे कि आप जानते हैं कि बाकी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको एक बार जाकर जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब 1 to 43, ये क्वेश्चन सारे हमने पिछले पार्ट्स में कवर कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वैद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, मात्रक भी बताइए। तो चलिए डिफिनेशन इजी है, लेकिन एक लाइन की है, बच्चे रट लेते हैं, कुछ दिन बाद वो उसको भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। किसी चालक तार पर आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। इसको बच्चा रट लेता है, कुछ दिनों बाद तो भूल जाता है वो। तो आज वो हम करने वाले नहीं हैं। आज हमें पूरा फोकस करना है फॉर्मूले पे। यदि फॉर्मूला हमारा क्लियर है तो डिफिनेशन तो ऐसे चुटकियों बना लेंगे। तो फॉर्मूला इसको होता है क्या है, I बराबर Q अपॉन T। Q कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी होता है, दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। यदि कैपिटल में मिल जाए आपको तो कैपिटल बता सकते हैं, यदि स्मॉल बताने मन तो स्मॉल भी बता सकते हैं, दोनों। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कैपिटल दिखा रहे हैं कि स्मॉल दिखा रहे हैं। I क्या होता है, वैद्युत धारा, ठीक है। क्यों क्या होता है, आवेश, और टी होता है समय। तो चलिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया कि ये आवेश को, क्यू को आवेश कहते हैं, टी को समय कहते हैं, आई को वैद्युत धारा कहते हैं। हल्का सा फोकस, और जो चीज नीचे होती है, अधिकतर बच्चों को पता होगा कि जो चीज नीचे होती है उसे एकांक ही बोलते हैं। इसे किसमें बोलते हैं, एकांक में लेके से चलते हैं। इसको हमें चलाना है तो एकांक में लेके चलाना पड़ेगा। तो बस इतना हमें फोकस करना है, बाकी पूरी डिफिनेशन हमें ऐसी ही बनानी है। तो चलिए देखते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश वैद्युत धारा कहलाता है। हमने कहा नीचे तुम्हें लगाना है एकांक, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो चेक लेते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश वैद्युत धारा कहलाता है। ये जो डिफिनेशन है आपको रटना नहीं पड़ेगा। यदि फॉर्मूले दिमाग पे बच्चे रख लेते हैं तो आप आराम से उसको बता सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश वैद्युत धारा कहलाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से हमारा ये हो गया। अब देखते हैं इसके मात्रक की बात। इसे मैंने लास्ट में बोला भी है कि मात्रक भी बताइए इसका। तो हमें पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, ये भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, हमने लिया नहीं। एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया कि आवेश की इकाई कौन सी होती है, तो ये आवेश की इकाई कूलाम होता है। समय किसमें नापते हैं, समय नापते हैं हम सेकंड पे। आवेश का मात्रक कूलाम, समय सेकंड पे, ठीक है। अलग अलग के मात्रक पूछ लिए जाते हैं कि आवेश का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है, तो यहां से आपको दिमाग रखना है। तो इसका एक मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड। तो इसका एक मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड। इसका एक मात्रक और होता है, एक मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर। बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, जिसे ऐसे दिखाते हैं यहां पे। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, और क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड, कोई दिक्कत। तो इसके दो मात्रक हमारे पास निकल के आ गए। ये इस तरह भी एक नंबर पूछा सकता है, और इससे या तो डायरेक्ट ये पूछ लेगा या तो इससे पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन लगातार 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये ऐसे सन डाले गए हैं जिस भी प्रकार के क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं,
सारे क्वेश्चन इसी में हमने कवर कर रखे हैं। वैद्युत धारा से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी समझ लेते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया आवेश का मात्रक कूलाम, समय का सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड मात्रक हो गया। इसका एक मात्रक और होता है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना व कैसा आवेश होता है। तो बच्चे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते ही होंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि धन आवेश किसमें होता है, ऋण आवेश किसमें होता है और कितना होता है, होता है और कितना होता है, ये बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इनमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। हमें बताना प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम बात करेंगे होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश होता है। कूलाम मतलब एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और कैसा आवेश होता है, तो बात करेंगे प्रोटॉन एक, प्रोटॉन एक धनावेश रखता है, उसमें धनावेश होता है प्रोटॉन पर। पी से प्रोटॉन भी होता है, पी से पॉजिटिव होता है। तो दिमाग में ये रखना है कि प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, धनावेश रखता है। तो कूलाम पर, कूलाम जो कूलाम होता है आवेश की इकाई होती है, ये तो समझते ही हैं। तो जो आवेश के पास होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का एक धनावेश रखता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सेम ऐसा ही है। इसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा और कितना कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ इतना आवेश होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन इसमें धनावेश होता है, इसमें ऋण आवेश होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऋण आवेश होता है। तो यहां से क्या हुआ, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है और कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश पाया जाता है, लेकिन कैसा, ऋण आवेश। तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 2018 पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ये एनसीईआरटी पैटर्न इसको रख दिया गया है, तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, इतनी इसकी संख्या होती है। एक कूलाम आवेश पर कितना, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को, जो एक न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल समझ लो कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दो तीन न्यूमेरिकल आएंगे, पहला न्यूमेरिकल तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से आ जाएगा, सेकंड से बहुत कम रखता है, लेकिन थर्ड से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। इसी तरह क्वेश्चन और ही पूछे जाते हैं, टाइप यही रहेगा लेकिन नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हो सकता है दूसरा नंबर हो जाए, कहने का तरीका अलग हो जाए, लेकिन सारा कुछ होगा ऐसा ही। तो क्या कह दिया हो, पहले इसको नोट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ किसी वैद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर की धारा, पहले समझ में क्या आया कि यहाँ पर धारा दिया हुआ है, धारा आई बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 0.5 एम्पियर की धारा, ठीक है। और क्या 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो समय दिया हुआ है 10 मिनट, समय टी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। पूछा क्या है उसने, आवेश की गणना करना है हमें, आवेश क्यू की वैल्यू बताना है कि आवेश क्यू कितना होगा, आवेश क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन किया है। इसके पहले हमने 44 क्वेश्चन पे एक हमने फॉर्मूले को दिमाग पर रखा था। फॉर्मूला क्या था कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इस फॉर्मूले को अपनी अभी इसके पहले ही 44 क्वेश्चन में दिमाग पर रख लिया है। आई का मान उसने दे रखा है और यहाँ पर क्यू का मान पूछा है, टी का मान भी दे रखा है, लेकिन वहां पर आपने फोकस किया होगा कि टी को
टी पे मिनट नहीं आया था, सेकंड आया था। तो यहाँ पे करेंगे इसको, हम पहले कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पे 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड पे। तो कितना हो गया 600 सेकंड। हमेशा वैल्यू सेकंड पे रखेंगे, यहाँ पर जो धारा की वैल्यू होगी हमेशा एम्पियर पे रखेंगे। कभी कभी मिली एम्पियर में वो दे देता है, तो उसको कन्वर्ट करके तुरंत हमें एम्पियर में करेंगे उसको। तो आई आई एक मान दे रखा है, एक मान कितना है 0.5। आवेश उसने पूछ रखा है और टी का मान उसने दे रखा है अभी 600। तो करें क्या, क्यू को यहाँ पर रख लें, क्यू को वहां बचा लें और 0.5 ये डिवाइड में होगा, डिवाइड वाला आता है मल्टीप्लाई में, तो 600 आ गया हमारे इधर। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3000। 3000 आएगा दशमलव, मतलब पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, इतना आवेश होगा कितने कूलाम का, मतलब कितना क्यू बराबर 300 कूलाम, इतना इस पे आवेश आ गया। तो मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा, तो क्यू बराबर कितना आ गया 300 कूलाम। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।